पुलिस भर्ती परीक्षा होने के बाद सोमवार को कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। और 20 से 25 छात्र छात्राएं हाथों में पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए और वहां बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बता दें 19 परीक्षा केंद्रों पर 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 36,658 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। और परीक्षा के दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि पेपर लीक हो गया है और इसी के तहत सोमवार को 20 से 25 अभ्यर्थी हाथों में पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। और परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सभी छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट राम शंकर को ज्ञापन सौंपा और छात्राओं द्वारा री एग्जाम कराने की मांग की गई और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्र बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकुर कुमार है और मैं इन सब छात्रों के साथ में हूँ और तब तक हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, हम भूख हड़ताल पर अब यहीं बैठ गए हैं। किन लोग बैठे हैं यहाँ पर? हमारी मांग जो है वो 17-18 को जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस का, कांस्टेबल का, वो पेपर जो है ऑलरेडी पहले से ही लीक हो चुका है। वहाँ देखो, हम तो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाला बच्चा दोबारा से भी पेपर देख के वो अपने नंबर ले आएगा, लेकिन जिसने लीक किया है, जिसने भी पेपर लीक किया है, वो फिर से लीक नहीं कर सकता। तो ऐसा कानून, एक तो पहले कानून बनना चाहिए, ऐसा कानून पास, लेकिन वो विफल क्यों दिख रहा है सर? विफल क्यों दिख रहा है सर? यूपी पुलिस का पेपर 50 लाख बच्चे थे सर, सारी चीजें विफल दिख रही है ना। एक दिन पहले सारी चीजें टेलीग्राम पर देखो, मैं आपके सामने साक्ष्य दिखा रहा हूँ, सारे आंसर 150 क्वेश्चन के आंसर हैंड रिटन में। सर, हैंड रिटन लिखने के लिए कुछ टाइम तो लगा होगा ना, ये पेपर क्लिक करके लीक नहीं हुआ, हैंड रिटन में उसके आंसर लिख के बाकायदा इतने अच्छे से लिख कर उसके लिए टाइम लगा होगा और पेपर वो फिर से वहीं रख दिया गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्या डिमांड रखते हैं? मैं डिमांड ये रखता हूँ कि सर फिर से री एग्जाम होना चाहिए चारों शिफ्टों का। नहीं मानी जाती है डिमांड? तो नहीं मानी जाती है, हम शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ से आए आप? हम अलीगढ़ से हैं सर। कितने छात्र होंगे? जी अभी और बच्चे अभी आ रहे हैं सर, क्योंकि दूर दूर चले गए थे ना सारे बच्चों के, और दूर दूर एग्जाम थे, वो सारे बच्चे अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, जितने अभी पॉसिबल हो चुके थे अभी तक आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। सर मेरा नाम गौरव है और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सरकार पूरी सफल प्रणाली कर रही है, उसके लिए क्या कहते हैं, परीक्षा को रोकने के लिए और नकल ना हो और ये सब ना हो, पर ये सरकार की सभी विफल हो रही है, ये सभी जो सरकार की छानबीन है सभी विफल हो रही हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से पेपर? तो सर ये हम ये चाहते हैं कि ये चारों शिफ्ट रद्द होनी चाहिए और दोबारा री एग्जाम होना चाहिए। और सर सर कासगंज और एटा एटा भी पढ़े हैं कुछ बच्चों के, आगरा भी पढ़े हैं, ज़्यादातर मोस्टली बच्चों के अलीगढ़ के आगरा पढ़े हैं। और सर कोई भी ज़्यादातर कोई भी चेकिंग नहीं थी, क्योंकि सभी पुलिस वालों को सभी लोगों को ज़्यादातर पता था कि कोई वो हो रही है, क्या कहते हैं, एग्जाम वैसे हो रहा है, तो ज़्यादा कोई भी घपला वो नहीं थी वहाँ पर, चेकिंग वगैरह ज़्यादा कोई छानबीन नहीं हो रही थी वहाँ पर। तो क्या लगता है सर? हमें यही लगता है कि दोबारा री एग्जाम होना चाहिए, वरना हम प्रोटेस्ट पर बैठे ही रहेंगे इसी तरह से। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।